हरदोई के गल्ला व्यापारी के घर से एक ट्रक पीडीएस का गेहूं पकड़ा गया है। जी हां, पुलिस ने व्यापारी को भी हिरासत में लिया है। सरकारी बोरियों में अनाज पर सरकारी मोहर भी लगी है। फिलहाल मामले में कार्रवाई की बात प्रशासन कर रहा है, लेकिन बड़े पैमाने पर चल रहे खेल में डीएसओ और एफसीआई के जिला प्रबंधक की भूमिका संदिग्ध बताई गई है। जी हां, बताया जाता है कि स्वाइजपुर गोदाम से दो ट्रक राशन भरे निकले थे, जिनमें से एक यह शाहबाद से पकड़ा गया। शाहबाद के उधरनपुर में व्यापारी राममोहन गुप्ता के घर एक ट्रक से सरकारी अनाज उतारा गया, जिसे तोला जा रहा था। आधा ट्रक अनाज उतर चुका था और तोल गया था। इसी बीच सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रक समेत सरकारी अनाज को कब्जे में ले लिया है और व्यापारी को हिरासत में लिया है। व्यापारी के हिरासत में लेते ही उनसे खुद को बीमार बताया, उसे इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। मामले की सूचना पूर्ति विभाग को भी दी गई है। जानकारी मिलते ही पूर्ति विभाग के लोग भी मौके पर पहुंचे। यहाँ ट्रक से करीब 700 बोरी सरकारी अनाज बरामद किया गया है। बोरियों पर सरकारी सील लगी थी। माना जा रहा है कि स्वाइजपुर से दो ट्रक सरकारी गोदाम से राशन लेकर निकले थे, जिनमें एक ट्रक शाहबाद में पकड़ा गया। हालांकि सिटी मजिस्ट्रेट गजेंद्र कुमार का कहना है कि मामले में कार्रवाई की जा रही है, संबंधित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाया जा रहा है। सरकारी अनाज मिलने के मामले में लोगों में सवालों के तूफान उठ रहे हैं। जब कोटेदारों को मशीनें दी गई हैं, जिनमें बिना लाभार्थी के अंगूठे के राशन पर्ची नहीं निकल रही है, ऐसे में यह राशन सीधे गोदामों से व्यापारियों के यहां कैसे पहुंच रहा है, इसमें डीएसओ व पीएसएफ के प्रबंधक भी भूमिका संदिग्ध है। थाना शाहबाद में प्राप्त सूचना के आधार पे एक ट्रक पकड़ा गया है, जिसमें सरकारी राशन लोड था और वो राशन जहाँ जाना चाहिए था वहीं जा रहा था, जिसे प्राइवेट आदमी के यहाँ जा रहा था। तो सूचना पर पुलिस ने इंटरसेप्ट करके राजस्व विभाग की तरफ से सूचना आई थी, ट्रक को पकड़ा है और उसमें जो व्यक्ति थे उनको भी उनसे हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है और डिस्ट्रिक्ट सप्लाई अफसर को सूचना कर दी गई है, जो मौके पर पहुँच करके अपनी जाँच पड़ताल करेंगे और उनसे तहरीर प्राप्त करके इसमें अग्रिम कार्रवाई कराई जाएगी। शाहबाद में उधरनपुर ग्राम में एक आढ़ती राम मोहन गुप्ता के आढ़त पे सरकारी बोरी से खाद्यान्न पलटा जा रहा था, जिसे रात्रि में छापा डाल करके पकड़ लिया गया है और यह सभी वहाँ सुपुर्दगी में दी जा रही है गोदाम प्रभारी को और उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। लगभग कितना खाद्यान्न होगा सर? अब ये 600-700 बोरे के आसपास है, अभी इसकी पूरी गणना हो जाएगी और संपूर्ण कार्रवाई विधिक कार्रवाई अवैध भंडारण करता अवैध कारोबार करता के विरुद्ध की जाएगी। उधरनपुर शाहबाद में एक आढ़ती हैं राममोहन गुप्ता के नाम से, तो उनके अभी कल में उनके पास में 700 लगभग बोरियां गेहूं की अनाधिकृत रूप से उनके स्टोर में पाई गई हैं, जिनके ऊपर सरकारी लेबल लगा हुआ है। जैसे ही उसकी सूचना मिली है, तत्काल पूर्ति विभाग की टीम को और पुलिस की टीम को भेजा गया, जो जितना भी उनका गेहूं है वो पूरा जब्त कर लिया गया है और पूरी जांच उसकी गिनती की जा रही है और अंतिम पूरी तरह से रिपोर्ट अभी बन रही है उसकी, और जो भी आवश्यक वस्तु अधिनियम है उसकी धारा 3/7 के तहत उस पर मुकदमा लिखाने की कार्रवाई, जो अन्य जब्ती करने की कार्रवाई है वो की जा रही है। मैं श्री राम राई शुनट त्रावड़ी विली चोपड़ी से रविंदर कुमार, मेरी तरफ से सभी त्रावड़ी वासियों और वह हरियाणा वासियों को मेरी तरफ से शुभ दीपावली, धनतेरस, भैया दूज की शुभकामनाएं। आप सभी प्रदेश वासियों व शहर वासियों को श्री गणेश और मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। एक बार पुनः श्री राम राई शुनट त्रावड़ी की ओर से फिर से शुभकामनाएं। श्री राम राइस यूनिट गांव चोपड़ी त्रावड़ी की ओर से सभी प्रदेश वासियों को धनतेरस, शुभ दीपावली तथा भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री राम राइस यूनिट त्रावड़ी महालक्ष्मी से कामना करता है कि आपका परिवार सदैव खुशहाल रहे और धन धान्य से भरपूर रहे। सभी प्रदेश वासियों तथा त्रावड़ी नगर के निवासियों को एक बार फिर से
श्री राम ग्रुप की ओर से आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। तरावड़ी के मशहूर बासमती चावल गॉड गिफ्ट 11-21 ब्रांड की खुशबू बना दे आपको दीवाना। इस दिवाली अपनी रसोई में लाएं गॉड गिफ्ट 11-21 ब्रांड चावल, जो दे आपको खुशी और सेहत का खजाना। असली बासमती केवल गॉड गिफ्ट 11-21 ब्रांड। चेयरमैन लाला साधुराम सिंगला, एमडी रविंदर सिंगला, निदेशक विजय सिंगला, भारत विकास परिषद त्रावड़ी के प्रधान संजय सिंगला, एक्सपोर्ट मैनेजर महेश सिंगला तथा एडवोकेट राकेश सिंगला आपको दीपावली की बधाई दे रही है। JBD Banquets lie here. Incredible Marriage Palace, Rajgharana, and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching, and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।